रिलीजियस आज देखने को मिल रहा है पंचकुला में। आज यहाँ पे हजारों की संख्या में लोगों ने यहाँ पे शिरकत की हुई है। राष्ट्रीय करणी सेना को जो राजपूत समाज है उन्होंने यहाँ विरोध प्रदर्शन हरियाणा सरकार के खिलाफ कर रहे हैं, जिसमें देखने को मिला संत रामपाल जी के समर्थक भी यहाँ पे आए हुए हैं। क्या कारण है सर इसका? ये कारण है कि जहाँ कहीं भी अन्याय अत्याचार होएगा समाज के किसी भी वर्ग के साथ, संत रामपाल जी महाराज के अन्यायी वहाँ पर उनको समर्थन देने के लिए पहुँचेंगे और अन्याय और अत्याचार के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाएंगे। जो कि राजपूत समाज है उनके साथ भी सरकार अन्याय कर रही है। उनके जो आनंदपाल जी हैं उनका एनकाउंटर करवाया गया और वो समाज CBI जांच की मांग कर रहा है, उनकी CBI जांच नहीं करवाई जा रही। और दूसरा मैटर है जो पद्मावती फिल्म में जो इतिहास के साथ छेड़छाड़ करके तथ्यों को गलत दिखाने की कोशिश की जा रही है उसके खिलाफ ये बोल रहे हैं, तो उनको भी ये उनकी भी सरकार बात नहीं मान रही है। तो हम यहाँ पर जो इनके साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है उसको समर्थन देने के लिए आए हैं कि इनके साथ अन्याय और अत्याचार बंद करो। और इनके साथ हम तन मन धन से खड़े हैं। जहां पर भी अन्याय अत्याचार समाज के किसी भी वर्ग के साथ होगा, संत रामपाल जी के अन्यायी वहां पर उनके साथ खड़े हैं। हम ये भी चाहते हैं जो इनके साथ तो सरकार अन्याय कर रही है, हमारे साथ भी कर रही है। संत रामपाल जी महाराज के केसेस अभी अंडर ट्रायल हैं और उन वो दो किस्तों में बरी हो चुके हैं। हम चाहते हैं कि उन पर जितने भी झूठे केस हैं वो वापस लिए जाएँ, उनको रिहा किया जाए। और भी संत हैं इस देश में जिन पे दोष भी साबित हो चुके हैं और उनके आश्रम उनको दे दिए जा चुके हैं, हैंडओवर किए जा चुके हैं कि वो अपना सत्संग करें, प्रचार करें। हम तो दो किस्तों में बरी भी हो चुके हैं और हम अंडर ट्रायल हैं, हमारे पे दोष साबित नहीं हुए हैं। अभी हमारे आश्रम में क्यों नहीं दिए जा रहे? अभी कल ही सिंहपुरा रोहतक में हमारा जो आश्रम निर्माणधीन था उस पर बिना बताए एकदम से सरकार ने अटैक करके आश्रम को तहस नहस कर दिया। क्यों हमारे धार्मिक और मौलिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है? क्यों? हम ये पूछना चाहते हैं। ये लोकतंत्र है, जब आप लोगों के नहीं सुन रहे, जब आप लोगों के नहीं सुन रहे, जिस जनता ने, जिस आवाम ने आपको राज्य दिया, आपको सरकार बनाने में हेल्प किया, आप उस जनता की नहीं सुन रहे, तो ये लोकतंत्र नहीं है, ये गुंडा तंत्र है। सत साहब जी, धन्यवाद।